ना हो ना जेलस इंडिया से, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है। सपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती, दिन पर दिन हमारी आप इसी लिहाज से देखो ना, इंडिया का 100 यहाँ का 232 तो कितनी गिर चुकी है। पहले 100 से 150 तो अब तो पूरा एकदम डबल का ट्रिपल हो गया है। तो हम फायदे में है, हम जब यहाँ पे आते हैं ना वी इंजॉय अ लॉट, मतलब जितना पैसा दिखाते सर डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वी इंजॉय शो। नहीं नहीं, मैं इंडियन हूँ, वाइफ पाकिस्तानी थी मगर उसको भी इंडियन बना दिया। अच्छा, तो मारिया आपके साथ आई थी? हाँ, ये बेटी हमारी डॉटर। आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है, सपोज देखिए करेंसी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है, सपोज जैसे डॉलर मैं बता रहा हूँ, मैं डॉलर वहाँ से लेकर आया 75 रुपीज़ में, यहाँ मैंने डॉलर बेचा 186 में। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमारी करेंसी जो 100 रुपीज़, आपके यहाँ की 232 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये मैं तो आया था एक मैरिज सेरेमनी में अटेंड करने के लिए, ज़्यादातर रिलेटिव मेरे मिले, मोस्ट ऑफ के बच्चे सब अब्रॉड जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ये दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्च आ रहे हैं, उसमें दोनों तबाह हो रहे हैं। ये बात नहीं, बांग्लादेश में कोई बात ही नहीं है डिफेंस डिफेंस की, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उससे कोई क्या लेगा, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया बहुत एक्टिव है, आप आईटी कंपनीज में देख लें, इंडिया ने कितने आईटी सीईओस प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने कितने टेररिस्ट। अल्लाह मियां मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियां मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निम्र अहमद। नाज़रीन, आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है काफ़ी जगह पर कि इंडिया जो है वो चाइना से आगे निकल रहा है, हर फील्ड में हर सेक्टर में जो है इंडिया बाजी मार रहा है। अब उन्होंने एक स्पेस एजेंसी में एक एयरक्राफ्ट भी बनाया था जो चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, चाइना के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस पे चाइना जो है अपोजिशन का, चाइना ने मुजाहिरा किया था। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि चाइना जो है उनको क्या लगता है ज़्यादा किस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, क्या जो है चाइना और इंडिया के इख्तलाफात अब शुरू हो गए हैं, और चाइना जो है वो हमें भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह क्या ये तो नहीं है, क्या हम चाइना के हाथों यूज़ तो नहीं हो रहे। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि उनके क्या ख्याल आते हैं इस बारे में, उनके रिव्यूज़ जानेंगे। तो चलें पूछते हैं उनकी आवाम से और देखते हैं वो क्या कहती हैं। आपको क्या लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली पाकिस्तान को करता है, इंडिया को बिल्कुल भी नहीं करता है, ज़रा भी नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे? बस कुछ, सब कुछ स्टॉप हो गया, जो चीज़ें वहाँ से आती थी एवरीथिंग हैज़ बीन स्टॉप, कुछ भी नहीं कर रहा है। जेलेसी फैक्टर तो नहीं आ गया, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर फील्ड में दिन ब दिन, तो ये क्या जेलेसी की वजह से तो नहीं स्टॉप कर दिया उन्होंने, या इंडिया की मैनुफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो गई कि अब उसे ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की? नहीं नहीं, चाइना हमेशा मतलब ऑल टाइम पाकिस्तान को जितना उसने सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक सो इंडिया को इतना सपोर्ट किया, अगर करता तो आज इतना वैसा कुछ नहीं होता। मतलब एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें मुझे हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो वहाँ पे नहीं मिली है, वहाँ टोटली स्टॉप हो गई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे थीम बर्थडेज़ होती हैं, जो थीम्स होती हैं वो मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी थीम्स देखी जो यूके यूएस में है, वो इंडिया में है ही नहीं। तो ऑब्वियसली चाइना मतलब हर लिहाज से इसको, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वही दर्शद। वही दर्शद, बड़े जज्बे से बोला है। बिल्कुल। पाकिस्तानी हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इंडियन हूँ। अच्छा, वाइफ पाकिस्तानी थी मगर उसको भी इंडियन बना दिया। अच्छा, तो मारिया आपके साथ आई थी? हाँ, ये बेटी हमारी डॉटर। तो क्या लगता है कि चाइना आप लोगों को सपोर्ट करता है या हमें, इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? बिल्कुल। आप लोगों को क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके प्रोडक्ट आते थे उसने बंद कर दिए, टोटल बंद कर दिया। या आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल ही इतना ज़्यादा कर दिया कि अब चाइना की ज़रूरत ही नहीं रही? नहीं नहीं, उसने बंद भी कर दिया, और अब जो उसके जो प्रोडक्ट है वाया घूम कर आते हैं हमारे पास में, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मंगाना छोड़ दिया, अपनी कंट्री में खुद ही बनाना, मेड इन इंडिया। राइट, बिल्कुल, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ, इसीलिए तो फिर इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट्स रोकी हैं। वैसे भी वो आप लोगों से थोड़ा जेलेसी फैक्टर थोड़ा फील कर रहा था, जब से आप लोगों ने जो है ना स्पेस एजेंसी में आप लोगों ने एक एयरक्राफ्ट बनाया, तब से उसकी धुएं निकल रहे हैं चाइना के। बिल्कुल सही बात है, यही है। और तो अगर हम लोग भी जो है पाकिस्तानी इतने एक्टिव हो जाएं, हम अपनी भी थोड़ी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लें, खुद प्रोग्रेस करना, खुद हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल होगा? हमें भी वो सप्लाई बंद कर देंगे प्रोडक्ट्स? स्टडी किया, आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है। हाँ। सपोज देखिए करेंसी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है, सपोज जैसे डॉलर मैं बता रहा हूँ, मैं डॉलर वहाँ से लेकर आया 75 रुपीज़ में, यहाँ मैंने डॉलर बेचा 186 में। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमारी करेंसी जो 100 रुपीज़, आपके यहाँ की 232 रुपीज़ है। तो
यहाँ पर ये मैं तो आया था एक मैरिज सेरेमनी में अटेंड करने के लिए, ज़्यादातर रिलेटिव मेरे मिले, मोस्ट ऑफ के बच्चे सब अब्रॉड जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई आगे स्कोप है नहीं, यहाँ पर पढ़ भी जाओ तो कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो पूरा एरिया का एरिया खाली हो गया। चाइना की सपोर्ट इंडिया को कहीं इस वजह से तो नहीं मिल रही कि जो इंडिया है उसने अपने आप को स्टेबल इतना अच्छा कर लिया है, उसने हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद ही स्टार्ट कर लिया है हर चीज़ में। आपको भी पता है कि दिन ब दिन जो है इंडिया वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो क्या ये एक वजह तो नहीं है कि अब ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की इंडिया को? इंडिया जितना भी ग्रो कर ले बट चाइना के लिहाज से वो हमेशा ही पीछे ही रहेगा, चाइना मतलब टॉप में ही है हर लिहाज से। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा था कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जिससे चाइना जेलस हो गया था, बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी चाइना ने दिखाई थी, तो क्या ये जेलसी फैक्टर नहीं है? अभी भी नहीं मानोगे कि वो जेलस हो रहा है? तो अच्छा ना होना जेलस इंडिया से, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है। मे बी, बट स्टिल आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। नहीं लेकिन अच्छी बात कहाँ से है, हम लोग इतना ज़्यादा उन पर डिपेंड कर रहे हैं, चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? आप लोग इकनॉमी इतनी डाउन है, आप ये देखो ना इतना सपोर्ट करने के बाद हमारा 100 यहाँ इस तरह, तो हम मेरी बात सुने, जितना भी वो सपोर्ट कर रहा है इस तरह तो हम उन पर ही डिपेंडेंट बने रहेंगे, हम खुद क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो ये चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? तो कुछ करे ना, आपकी अवामी कुछ नहीं करी तो क्या करे चाइना, ये फॉल्ट हमारी अवाम का है, गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो बेचारी ऐसी खाली है, जो बैठा है इमरान खान बैठा है वो खुद खाली है, वो कहता है दो। अब सपोज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए बांग्लादेश इसके बाद हुआ, मगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी करेंसी हमारी करेंसी बिल्कुल इक्वल है, मोस्ट इक्वल, और ये और इसकी मेन वजह यह है कि दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ, डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्च आ रहे हैं, उसमें दोनों तबाह हो रहे हैं। ये बात बांग्लादेश में कोई बात ही नहीं है डिफेंस डिफेंस की, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उससे कोई क्या लेगा, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ है। आपको नहीं पता हम लोग यूज़ हो रहे हैं, लग नहीं रहा हम लोग यूज़ हो रहे हैं? आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि सपोर्ट करता है, ये नहीं आपको नज़र आ रहा कि हम लोग यूज़ हो रहे हैं? वो तो है, वो तो एक्चुअली जैसा देख रहे हैं मैं तो लगता है कि वो आ ही जाएगा। अच्छा। जो कर रहा है वो दे रहा है दाना, दाना दे रहा है, दाना दे रहा है, लास्ट टाइम में वो लोन दे दे के जैसे आदमी है ना किसी से कर्ज लेता है, जब वो अदा नहीं कर सकता है तो फिर उसको उगता ही जाता है मजीद, वो करनी पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। हाँ चलिए, हमारी दुआ है कि आपकी कंट्री आगे निकले, मगर नजर तो नहीं आ रहा है दो। वो ऑब्वियसली वहाँ पे अब उल्टा है, वहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट रिच है और आवाम गरीब है, यहाँ पे आवाम के पास पैसा है बट गवर्नमेंट आप लोग की जो है उनके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल तो नहीं होगा, अगर हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग हो गए, थोड़ा हम लोग भी एक्टिव हो गए, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रांग होगी, तो चाइना हमें भी तो नहीं कहीं बैन कर देगा आप लोगों की तरह? ये एक सपना, इकोनॉमी स्ट्रांग कभी नहीं हो सकती, दिन ब दिन हमारी आप इसी लिहाज से देखो ना, इंडिया का 100 यहाँ का 232 तो कितनी गिर चुकी है, पहले 100 से 150 था, अब तो पूरा एकदम डबल का ट्रिपल हो गया है, तो हम फायदे में हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं ना वी इन्जॉय अलॉट, मतलब जितना पैसा देगा तो सर डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वी इन्जॉय शॉप। चाइना ना असल में बहुत ही ना न्यूट्रल कंट्री है इस हवाले में मेरे हिसाब से, चाइनीज़ जो है वो बहुत वाइज हैं, तो चाइनीज़ जहाँ पे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो इंडिया को सपोर्ट ना करना अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ना इंडिया जो है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है, अगर वो चाइना इंडिया से अपने टाइज कट ऑफ कर देगा ना तो चाइनीज़ को ह्यूज लॉस होगा, और चाइनीज़ जो है वो फाइनेंशियल लॉस सफ़र नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि इमोशनली या मॉरली शायद चाइना पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के साथ भी बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो जो पहले ज़्यादातर इम्पोर्ट्स होती थी वो चाइना आपको पता है कितनी बड़ी एक है, हाँ जी बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक स्टेबल कंट्री है वो, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में जाती हैं, ठीक है, तो जो इंडिया भी जो ज़्यादातर इम्पोर्ट्स करता था वो चाइना से करता था, ठीक है, अब इंडिया ने अपना मैनुफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसको ज़रूरत ही नहीं है चाइना से कुछ भी इम्पोर्ट करने की, तो आपको क्या एक ये रीज़न नहीं लगती कि चाइना ने जो है अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई उनको जेलसी में रोक दी है? जेलसी में नहीं चाइना रोक सकता, चाइना असल में यूएस नहीं है, यूएस जेलसी में ये सब काम करते हैं, लेकिन चाइना एक बहुत पेशेंट मुल्क है, वो जेलसी में या सिर्फ अपनी हेजेमनी जाहिर करने के लिए ना इतने क्रूशल स्टेप्स नहीं ले सकता, क्योंकि जब इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बनाया था इंडिया ने वो थोड़ा चाइना से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो उस पर जो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का मुजाहरा भी किया था, अब इस बारे में क्या कहोगी?
ये बात आपकी ठीक है, उसमें जाहिर है वो करेंगे क्योंकि चाइनीज से पहले वो टेक्नोलॉजी बोरो करते रहे और चाइना ने भी उन्हें काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं। लेकिन ये बात भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये पूरी वजह नहीं हो सकती लेकिन एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अब क्या? जो पहले मेड इन चाइना होता था, अब वो मेड इन इंडिया है, ठीक है। और जब से उन्होंने स्पेस एजेंसी में एक उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था जो चाइना के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल था, तो उसके बाद से इंडिया ने जो है वो थोड़ी ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है, ठीक है। एक ये भी वजह है कि उन्होंने जो है इस वजह से अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? वो अब उनका अपना मे भी कोई पर्सनल कोई वो हो सकता है इशू के जिस वजह से उन्होंने सप्लाई वगैरह बंद कर दी है, वो मे भी कोई इंटरनल कोई ना कोई इशू होता होगा, वरना ऐसा नहीं है। वरना मैंने तो जिस हद तक देखा है कि वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चाइना जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में तो बहुत कम हो रही है क्योंकि इंडिया ने अपनी सारी चीज़ों पर मेड इन इंडिया का जो है ठप्पा लगा लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपनी कंट्री में ही बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वजह से तो नहीं कहीं चाइना जो है अगेंस्ट हो रहा है इंडिया के? जी, ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि इंडिया ने उनके साथ भी सियासत के लिए कि उन पर डिपेंड नहीं किया, जो उनके साथ मिलके काम कर रहे थे उन्होंने उसका फ़ायदा खुद उठाया, इंडिया वालों ने चाइना का फ़ायदा उठाया, जिससे जिसकी बेस पे वो अपनी चीज़ें खुद बनाना शुरू हो गए हैं। तो उनका ट्रिक जो चाइना से मिलके काम कर रहे थे ना, उन्होंने ऐसा किया कि चाइना के साथ मिलके काम किया और चाइना के जितने भी हैं ना फार्मूला वगैरह वो उन्होंने खुद अपने माइंड में कर ली हैं और उस पर वो खुद काम कर रहे हैं, वो इंडिया चाइना को साइड पे कर रहे हैं इंडिया वाले। तो हमें कितना सपोर्ट कर रहा है चाइना इस वक्त? चाइना हमें तो फुली सपोर्ट कर रहा है, अनटिल और अनलेस हम कोई भंड नहीं मार देते तब तक चाइना हमें फुली सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, सीपैक में। आपको नहीं लगता कि अगर जितना भी हम लोग उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम क्या इन फ्यूचर उनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे जितना हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज़ में, चाइना चाइना चाइना? ये सवाल तो फ्यूचर ही बता सकते। हम कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे? नहीं, यूज़ नहीं हो रहे। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान चाइना के अलावा सीपैक ना हो तो पाकिस्तानियों ने कौन सा कुछ फुट लेना है, मतलब कौन सा पाकिस्तानियों ने कुछ कर लेना है? ऐसे ही खड़े रहेंगे फिर मैं और आप लिबर्टी में, इंटरव्यू आप लेती रहेंगी, मैं देती रहूँगी। अगर सीपैक नहीं आएगा, सीपैक आएगा तो फिर ही कुछ होगा, वरना हम ऐसी आवाम है, हमें आप बिठा देंगे ना, हम 100 साल वहीं बैठे रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। यानी कि खुद हम एक्टिव नहीं हो सकते, नहीं। हम दूसरों पर ही डिपेंड करेंगे। हाँ जी, जब यानी कि हमें चाइना के उत्ते डिगना ही पैना है। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आएगी ना, तब तक हम वही कौम है जिसको किसी को खुद ही उठाना पड़ेगा। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ जी, इंडिया बहुत एक्टिव है। आप आईटी कंपनीज में देख लें, इंडिया ने कितने आईटी सीईओस प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने कितने टेररिस्ट। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो में, लोगों ने बताया बहुत मज़े के रिव्यूज़ दिए कि चाइना जो है अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया।